तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अपनी कुछ फेवरेट गुड वाइब्स के स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो कि मैंने पर्सनली यूज़ किए हैं और काफ़ी टाइम मैंने उन्हें यूज़ करा है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। तो क्योंकि गुड वाइब्स एक बहुत ही अफोर्डेबल रेंज है जिसमें कि एक अफोर्डेबल ब्रांड है जिसमें कि आपको स्किन केयर हेयर केयर एंड मेकअप सब कुछ ही मेकअप नहीं स्किन केयर एंड हेयर केयर के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं बहुत ही अच्छी रेंज में और काफ़ी इनकी जो क्वालिटी है वो भी अप टू द मार्क होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो से और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है बट आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं तो एक बारी आप जो है सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें मतलब अनसब्सक्राइब करें फिर से सब्सक्राइब करें और उस बेल बटन को आप प्रेस करें तो मे बी आपको नोटिफिकेशंस फिर से मिलने स्टार्ट हो जाए। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज गुड वाइब्स एप्पल साइडर विनेगर स्मूथनिंग हेयर मास्क। ना इसमें आपको काफ़ी सारी इसमें वैरायटी मिल जाती है जैसे कि बनाना हेयर मास्क हो गया वो भी बहुत अच्छा है। तो मैंने दो तीन इसके यूज़ करे हैं मुझे सभी बहुत अच्छे लगे एंड अगर आपकी स्कैल्प जो है ऑयली है या फिर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ होता है तो आप एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं बनाना वाला। इसके अलावा एक दो और हैं जो कि मैं आपको नीचे मेंशन कर दूँगी तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। और इसे यूज़ करना होता है आपको सेम उस तरीके से जैसे हेयर स्पा की क्रीम यूज़ करते हैं तभी आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी कि आपको इसे अपने क्लीन हेयर पर लगाना है एज अ क्रीम जैसे हम अप्लाई करते हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद आपको अपने बालों को स्टीम देनी है और 45 मिनट्स तक के ना आप इसको अपने बालों पर लगे रहने दें। आधा घंटा सफिशेंट होता है बट आप उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद आप नॉर्मल गुनगुने पानी से अपने हेयर वॉश कर लें और उसके बाद कंडीशनर भी अप्लाई करें तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो नेक्स्ट डेंड्रफ की प्रॉब्लम मेरे को काफ़ी रहती है तो उसके लिए मैंने यूज़ किया था ये गुड वाइब्स की तरफ से टी ट्री डेंड्रफ क्लींजिंग हेयर क्रीम जिसके रिजल्ट्स बहुत ही ऑसम है। सेकंड कंटेनर है जो कि यूज़ किया था और आधा ये अपने भाई के सर पे यूज़ किया था उसको भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो इसलिए अगर आपको डेंड्रफ है तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें काफ़ी अच्छी क्रीम है। और सेम जैसे आप हेयर स्पा क्रीम लगाते हैं उसी तरीके से आपको इसको भी अप्लाई करना होता है और आप इसे अपनी स्कैल्प पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि विंटर्स में सबके पास होना बहुत ही ज़रूरी होता है एंड दैट इज़ फेशियल ऑयल। तो यहाँ पर मेरे पास ये गुड वाइब्स की तरफ से 24K गोल्ड फेशियल ऑयल जो कि मैंने लास्ट ईयर भी यूज़ किया था आपको पता होगा अगर आप मेरी स्किन केयर वीडियोज़ देखी होंगी। तो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि जनरली जब मेरे पास ये नहीं था फेशियल ऑयल का उतना ज़्यादा मेरे को पता नहीं था तो उस टाइम पर ना मैं डायरेक्ट अपने फेस पर मतलब सीरम और फिर क्रीम अप्लाई करती थी तो फिर भी विंटर्स में जो स्किन फटने लगती है ना वो वाली प्रॉब्लम होती थी और वो बहुत बेकार लगती है बहुत ही बेकार। तो जब से मैंने इसको यूज़ किया अपने स्किन केयर में यूज़ करना स्टार्ट करा मेरी स्किन इस विंटर्स में तो बिल्कुल भी नहीं फटी है। लास्ट विंटर में मैंने थोड़ा लेटली स्टार्ट किया था बट अगर आप फेशियल ऑयल टाइम पर अपनी स्किन पर अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे जैसे कि जब विंटर्स स्टार्ट होते हैं ना उसी टाइम पर आपको स्टार्ट कर देना चाहिए तो आपकी स्किन ना कभी भी नहीं फटेगी। इसको कैसे अप्लाई करना पहले बताते हैं। ओके आपने अपना फेस वॉश किया उसके बाद अपने सिरम अप्लाई करा उसके बाद आप फेशियल ऑयल की मसाज करें अच्छे से एक या दो बूंदें बहुत होती हैं एंड देन आप अपनी फेस क्रीम लगाएं तो उसके बाद ना आपका चेहरा कभी भी मतलब एक तो ग्लो रहेगा विंटर्स में जो कि होना चाहिए और इसके अलावा आपकी स्किन फटेगी तो बिल्कुल भी नहीं ये तो गारंटीड है भैया। ठीक है और ये जब मेरा ख़त्म हो गया था तो उसके बाद ना मैंने रोज़िप ऑयल लगाना स्टार्ट करा। दिस इज़ मतलब ऑयल वाली कंसिस्टेंसी है बट दिस इज़ अ फेस सीरम जो कि मुझे बहुत बहुत पसंद है। अगर आप इसे अप्लाई करते हो ना तो आपको मतलब कि फेशियल ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है एंड दिस इज़ गुड वाइब्स की तरफ से ये रोज़िप का रेडियंट ग्लो फेस सीरम। बहुत ज़्यादा आपकी स्किन में ऑयल भी नहीं मतलब आपकी स्किन में ना ऑयली भी फील नहीं होने देगा। इसके अलावा आपको लगेगा कि भाई नेचुरली आपकी स्किन जो है ना वो प्लम्प है और वो बहुत ही ग्लोइंग है तो ये मुझे बहुत पसंद आया। आप ज़रूर यूज़ करें अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई के बीच में है तो। अपार्ट फ्रॉम दिस ये वाला लिप बाम विच इज़ पर्पल चाइल्डहुड बेस्टीज लिप बाम इसमें मेरे को बटर स्कॉच फ्लेवर बहुत पसंद है और ये विंटर्स के लिए एक मस्ट हैव है। सबसे पहले तो उसकी क्यूट सी जो बॉडी है बहुत अट्रैक्टिव है मुझको ये बहुत पसंद है
और लिप बम तो भाई बहुत ही अच्छा है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई कलर नहीं है, बट जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छी है, आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस गुड वाइब्स ब्रिटिश रोज रेडियंस इम्पार्टिंग बॉडी बटर। नाउ बॉडी बटर जो होते हैं ना, बॉडी लोशन से थोड़ा थिक होते हैं, तो वैसा ये भी है। एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है, जैसे कि आपको नाम से पता चला होगा, रोज़ वाली इसकी फ्रेग्रेंस है, काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी, और काम भी इसका बहुत ही अच्छा है। तो विंटर्स में अगर आपकी स्किन ओवर ड्राई होती ना, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इसे यूज़ करके, बिकॉज 24 आवर्स ही आपको वो एक प्रोटेक्शन वाली जो चीज़ होती है ना, वो आपको देगा। लाइक बॉडी लोशन जो होते हैं थोड़े टाइम बाद फीके पड़ जाते हैं, बट बॉडी बटर्स जो हैं वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपको एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देते हैं। सो नेक्स्ट इज दिस गुड वाइब्स की तरफ से पपाया स्लीपिंग मास्क। नाउ स्लीपिंग मास्क जो है मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर यूज़ किया था, उसके बाद मैंने अभी यूज़ करा, विच वॉज पपाया स्लीपिंग मास्क। तो ये जैसे हम नाइट क्रीम लगाते हैं उसी तरीके से आपको अपने फेस पर लगानी होती है एंड ओवरनाइट छोड़ देनी होती है। और मतलब आपको लगेगा थोड़ा सा चिपचिपा, बट इट्स नॉट दैट चिपचिपा कि आपकी स्किन ऑयली कर दे, बट काफ़ी अच्छी है विंटर्स के लिए, तो आपको यूज़ करना चाहिए। एंड पपाया तो जैसे आपको पता है, पपाया की जितनी भी रेंज होती है ना, ये आपकी स्किन को ना ग्लोइंग बनाती है, तो उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपके चेहरे पर विंटर्स में ग्लो नहीं रहता है, तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सो नेक्स्ट इज दिस गुड वाइब्स की तरफ से पपाया ब्राइटनिंग फेस स्क्रब। नाउ ये जो स्क्रब है ना, ये मुझे इसलिए पसंद आया विंटर्स में क्योंकि स्किन बहुत ड्राई होती है, तो इसका क्रीम बेस है, और क्रीम बेस के साथ में इसमें हैं छोटे छोटे स्क्रब करने वाले पार्टिकल्स जो कि आपकी स्किन को स्क्रब भी करते हैं, और जो बेस है वो क्रीम बेस है, तो आपकी स्किन को ना ड्राई नहीं होने देता, तो इसलिए मुझे ये स्क्रब काफ़ी पसंद आया। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस गुड वाइब्स पपाया ग्लो फेस मास्क। नाउ ये फेस मास्क भी मैंने विंटर्स में काफ़ी यूज़ करा है, मुझे काफ़ी पसंद आया, बट ये अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो शायद आपको फील हो कि ये आपकी स्किन को ड्राई बना रहे हैं, क्योंकि फेस मास्क ना सूखते हैं, तो उसके बाद वो फिर काफ़ी अपनी स्किन को लगेगा कि आपकी स्किन खिंच रही है, तो इसलिए अगर आपकी नॉर्मल टू ऑयली के बीच में, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं विंटर्स में। इसके अलावा अगर आपकी ड्राई स्किन है, तो आप जब इसे यूज़ करें तो आप अपनी स्किन पर स्प्रे करते रहें कुछ भी वाटर या फिर रोज़ वाटर आप स्प्रे कर सकते हैं, और हाथ से अच्छे से मसाज दें, मतलब जब वो 5 मिनट बाद थोड़ा थोड़ा सूखने लगे ना, तो उसके बाद स्प्रे करते रहें और मसाज देते रहें। ऐसा करने से ना आपकी स्किन में ये ड्राई बिल्कुल भी नहीं होगा, और रिजल्ट्स तो आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो इस विंटर में मैंने 3 फेशियल ऑयल यूज़ करे हैं। फर्स्ट तो ये जो 24 कैरेट गोल्ड ऑयल था, बहुत बेहतरीन है। तो नेक्स्ट जो फेवरेट है वो है गुड वाइब्स का रोज़ सीरम, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर आप एक बार ट्राई करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार इसको हमेशा अपने स्किन केयर रूटीन में रखना ही चाहिए। नेक्स्ट मैंने यूज़ करी गुड वाइब्स की तरफ से आर्गन कैरियर ऑयल, जो कि कोल्ड प्रेस्ड है, कोल्ड प्रेस्ड बोले तो उसमें हीट इन्वॉल्व नहीं है, तो उसके जो ऑयल को अगर आप हीट करते हो तो उसकी क्वालिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, तो ये कोल्ड प्रेस्ड है, उसमें हीट इन्वॉल्व नहीं है, तो आपकी स्किन को काफ़ी अच्छा, आपकी स्किन पर ये काफ़ी सारे मतलब बेनिफिट्स देगा, क्योंकि सारी क्वालिटीज़ इंटेक्ट हैं। आपको फेशियल मसाज के लिए आपको कुछ चाहिए, तो आप इस ऑयल को ज़रूर यूज़ करें, काफ़ी अच्छा है। इसकी भी 1 से 2 बूंदें पूरे चेहरे के लिए बहुत इनफ होती है, तो इसको अप्लाई करने के बाद मैं अच्छे से मसाज करती हूँ, और नेक तो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी, नेक में भी करनी होती है, और वही ग्लो मिलेगा आपको विंटर्स में जो आपको चाहिए। इसके अलावा जो मेरे को चीज़ अच्छी लगती है गुड वाइब्स में, वो है ये रोज़ ग्लो टोनर, जो कि बहुत 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 ही अच्छा है। मतलब कि एक तो आपको ना फील नहीं होगा कि आपने कुछ अलग सा लगाया है, बहुत ही मतलब स्किन लविंग प्रोडक्ट है ये, तो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए गुड वाइब्स का ये लिक्वराइज ब्राइटनिंग बॉडी लोशन। जैसे कि मैंने आपको पिछले साल भी बताया था कि ये मुझे बहुत पसंद है, तो इस ईयर भी मैंने इसका एक छोटे वाला पैक लिया, क्योंकि वो ख़त्म हो गया था, वो तो काफ़ी बड़ा था, तो वो मेरा चला ही था, मतलब अभी इस ईयर तक भी वो चला था, बट उसके बाद मैंने ये ट्राई किया, और ये भी मेरा बॉटल ऑलमोस्ट एम्प्टी होने वाला है, हो ही चुका है, मतलब थोड़ा सा बचा है ये, तो ये मुझे काफ़ी पसंद है, आपको भी एक बारी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बॉडी लोशन एक तो फ्रेग्रेंस बहुत माइल्ड है, दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है। ब्रिटिश रोज़ जो आपका ये बॉडी बटर है, तो बॉडी बटर मैं तब यूज़ करती हूँ जब मेरे को कहीं बाहर जाना हो, बट अगर घर पे ही नॉर्मली नहाने के तुरंत बाद कुछ लगाना है, तो आई प्रेफर दिस गुड वाइब्स लिक्वराइज बॉडी लोशन, विच इज़ माय फेवरेट। रोज़ लिप सीरम के बाद अगर मुझे कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो है ये गुड वाइब्स की तरफ से कोकोनट ब्राइटनिंग फेस क्रीम। ना ये फेस क्रीम मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि जब हम इसे मतलब कोई भी अगर विंटर्स में मैं पहले क्रीम लगाती थी ना, तो ऐसा लगता था कि ना चेहरा वॉश करने के बाद जो एकदम ग्लो आता है ना, वो क्रीम लगाने के बाद डल हो जाता है, ऐसा लगता था, बट जब से मैंने इसे यूज़ करा है, लाइक ये भी मैंने लास्ट ईयर यूज़ करी थी, जैसे कि मैंने आपको पिछले साल वाली वीडियोज़ में बताया था,
तो जब इसे अप्लाई करते हैं ना तो आपकी स्किन का जो वो ग्लो है ना, जो फेस को वॉश करने के बाद रहता है, वो वैसा ही रहता है। आपका स्किन बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा कि यार ये क्रीम लगाई तो काला पड़ गया, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए मुझे ये क्रीम बहुत पसंद है। और इसके अलावा जब आप अपने फेस पर ऑयल लगा दोगे ना और उसके बाद इसकी लेयर लगाओगे तो जो ग्लो आएगा ना वो बहुत ही, मतलब बहुत ही अच्छा वाला, बहुत ही बेहतरीन वाला ग्लो आएगा। तो आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो, और कमेंट्स करके आप अपनी राय दे सकते हैं जो भी आपने प्रोडक्ट्स यूज़ करें आपको कैसे लगे, या फिर आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर नीचे कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं गाइज। इसके अलावा गुड वाइब्स के जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपके साथ में शेयर करे हैं ये बताए हैं, इनको अगर आप बाय करना चाहते हो तो purple.com की साइट से आप ले सकते हैं। एंड अभी क्योंकि ईयर एंड सेल चल रही है तो ईयर एंड सेल में काफ़ी आप अपने पैसे भी बचा पाएंगे अगर आप इन प्रोडक्ट्स को वहाँ से बाय करेंगे तो। और यहाँ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। I'm just gonna go.